कोरबा वन मंडल बालको रेंज के डिप्टी रेंजर पर अवैध वसूली का आरोप लगा है, जिसकी सीधी शिकायत ग्रामीणों ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत से की है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड द्वारा किसान और भू स्थापित ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए जमीन पर कार्य करवाए जाने के नाम पर 10 से 20 हजार रुपए की मांग की जाती है और नहीं मानने पर मशीन को जब्त कर कार्यवाही का हवाला देकर अनाप शनाप पैसे की डिमांड की जाती है। अगर समय रहते इस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन ग्रामवासियों द्वारा किया जाएगा। कल हम देखा किसान के काम करवा था, ठीक अगल बगल थोड़ा थोड़ा तो लेबे करबो हम खेत बनाए हैं, ठीक अब बोला जे के मना करे है मन ड्यूटी में जा रहा हो का कहते हैं बीट गार्ड मन जाके ना मना करी है कि तुमन के अधिकार नहीं है कमाए के और कमा था तो हमला पैसा दिया कितना 20 हजार डिमांड कर रही से 20 हजार हम बोला नहीं रहे तब बाद में बोली कि 10 कर दिया के 10 हम नहीं सकन हम कहें 5 हजार जो भी 5-6 हजार दे वो कहें तो उसके बाद 7 हजार दे हैं कान थे संतोष संतोष कुमार कान हम खेत डुबान हो गए के कल्याण खेत डुबान हो गए के कल्याण है वन विभाग वाला डैम बांध रही से पट्टा देके एकदम डुबान के दे 2 साल है हम पीक नहीं पा पानी भेज जाते डुबान में बोल था कई बार भेज दे कागज मोबाइल या खींच के पानी ला तले नहीं करा थे कुछ काम नहीं करा थे हम लोग वन पट्टा मिले था तो बांध बना दिया सिंह कंवर ग्राम पंचायत सोनपुरी आश्रित ग्राम सराई पाली से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सरायपाली सोनपुरी सरायपाली में हमारे डिप्टी रेंजर संतोष कान बीट गार्ड जो हैं दिलीप सिंह ठाकुर इनके द्वारा किसानों के द्वारा पैसा लिया जा रहा है। जो भी मशीन चलाएगा जैसे बालको एग्रो कंपनी के द्वारा बालको के द्वारा मेड़बंदी का कार्य चल रहा है उसमें किसान अपना 4-5 घंटा मेड़बंदी काम कर रहे हैं राजस्व भूमि में अपना निजी स्वयं का उसमें डिप्टी रेंजर को या बीट गार्ड को पेपर भेजने के बाद भी सीधा खेत के पास आते हैं गाड़ी जब्ती करते हैं ठीक है और बोलते हैं पहले पैसा दो उसके बाद ही आप कार्य करो और बाहरी में वहाँ पे 4-5 ठेकेदार और ईंटा भट्टा में कम से कम 15 ठेकेदार वहाँ पड़े हैं आपस में उनके पास भी पैसा लिया जाता है उनसे अवैध पूरा जंगल उजाड़ा जा रहा है उससे कोई रोकथाम नहीं है उनको बस पैसा मिलना चाहिए और उससे उसी में सहमति है और हम किसान अब स्वयं आमदनी नहीं दे पाते तो हम लोगों से भी गाड़ी सीधा जब्ती लिया जाता है।